लुप्त पद ज्ञात कीजिए तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कई सारे अल्फाबेट दिए होते हैं और बीच बीच में कुछ ब्लैंक्स भी दिए होते हैं इन ब्लैंक्स में हमें अल्फाबेट्स फिल करना होता है तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सभी अल्फ़ाबेट और ब्लैंक्स को काउंट करना होता है देन हम इन्हें ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे और उन ग्रुप्स में कोई ना कोई सिक्वेंस फॉलो हो रहा होता है जिसको हम आइडेंटिफाई करके बाकी ब्लैंक्स को फिल कर लेंगे तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन में जो लेटर्स हैं जो ब्लैंक्स हैं उनको पहले काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं सोलह हम इसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो चार चार के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं एक दो तीन चार डिवाइड किया एक दो तीन चार डिवाइड किया एक दो तीन चार डिवाइड किया अब हमारे पास चार ग्रुप हो गए ओके तो अब हम देखते हैं किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा लेटर्स लिखे हुए हैं तो दोस्तों चौथे ग्रुप में देखें तो यहाँ पर दूसरा तीसरा और चौथा स्थान भरा हुआ है इसकी हेल्प से हम पहले ग्रुप दूसरे ग्रुप और तीसरे ग्रुप में दूसरा तीसरे और चौथे स्थान को को भर लेते हैं तो पहले ग्रुप को सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर दूसरे और तीसरे में एक्स एक्स लिखा हुआ है 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 जो चौथा स्थान वो खाली है। तो यहां पर चौथे स्थान पर क्या लिखा हुआ है वाई तो वाई को ये भर लेते हैं और दूसरे ग्रुप में देखते हैं तीसरा स्थान यहाँ पर खाली है तीसरे स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स तो एक्स भर लेते हैं और तीसरे ग्रुप को यहाँ पर देखते हैं तो दूसरे स्थान दूसरा स्थान यहाँ पर खाली है तो चौथे ग्रुप में दूसरे स्थान पर क्या लिखा हुआ है एक्स तो हम यहाँ पर एक्स को भर लेते हैं अब हम चौथे ग्रुप को देखते हैं चौथे ग्रुप में कौन सा स्थान खाली है पहला स्थान खाली है दूसरे ग्रुप और तीसरे ग्रुप में पहले स्थान पर वाई लिखा हुआ है तो हम इसकी हेल्प से चौथे ग्रुप के पहले स्थान को भर लेते हैं यहाँ पर कौन सा लेटर लिखा जाएगा वाई और हमारा जो पहला ग्रुप है वहां पर भी पहला स्थान खाली है हमारा जो पहला ग्रुप है वहां पर भी पहले स्थान पर क्या होगा वाई तो हमने कौन कौन से लेटर्स फिल किए हैं Y, Y, X, X, Y. तो देखते हैं दोस्तों इसमें ऑप्शन में, में कहाँ पर Y, Y, X, X, Y लिखा हुआ है तो हमारा दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है Y, Y, X, X, Y. तो दोस्तों इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लेटर्स और जो ब्लैंक्स दिए होते हैं उन लोग काउंट कर लेते हैं काउंट करके उनके जो नंबर है उसको पहले लिख लेते हैं फिर उसको ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं जैसे यहाँ पर सोलह लिखा हुआ है तो यहाँ पर चार चार के ग्रुप बने अगर दोस्तों अगले क्वेश्चन में पंद्रह दिया गया हो टोटल नंबर हमारे पंद्रह निकले तो उसमें पांच पांच का ग्रुप डिवाइड करेंगे या फिर तीन तीन के भी ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं और वही यदि बारह हो दोस्तों तो उनको चार या तीन ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे जो ग्रुप्स को हमने डिवाइड किया है उन ग्रुप्स में हम सिक्वेंस को पहले ढूंढेंगे फिर उस सिक्वेंस की हेल्प से जो हमारे ब्लैंक्स होंगे हम उनको फिल कर लेंगे तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है लुप्त पदों को ज्ञात करें यानी दोस्तों यहाँ पर भी हमें ब्लैंक्स को फिल करना है और ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं पहले हम लेटर्स को काउंट करते हैं तो चलिए इन्हें पहले हम काउंट्स कर लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दोस्तों टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं बारह इन्हें हम चार चार के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार ओके दोस्तों तो हमारे तीन ग्रुप बन गए तो सबसे पहले क्या करते हैं जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा लेटर्स होते हैं उसकी हेल्प से हम अदर ग्रुप्स को फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर तीसरे ग्रुप में सबसे ज्यादा लेटर्स लिखे हुए डी एम एन इस तीसरे ग्रुप में पहले स्थान पर डी है दूसरी स्थान पर एम है और तीसरा स्थान ब्लैंक है चौथे स्थान पर एन है तो दोस्तों पहला दूसरा और चौथा लेटर जो है ये जो पहला और दूसरा ग्रुप है इसमें फिल कर लेते हैं तो पहले में दूसरा स्थान हमारा खाली और दूसरे पे क्या है एम है और चौथे स्थान पर क्या यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर एन दिया गया है तो दोस्तों हमारा जो पहला ग्रुप है वो फिल हो चुका है अब हम दूसरे ग्रुप को फिल करते हैं पहले और दूसरे स्थान पर क्या है डी और एम है अब दोस्तों देखते हैं तीसरा जो ग्रुप है तीसरे ग्रुप में तीसरा स्थान खाली है तीसरे स्थान पर क्या है एन तो दोस्तों हमारे लेटर्स कौन कौन से हमने फिल किए हैं एम एन डी एम एंड एन तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये लेटर्स मिलते हैं हमारा हमारा सही ऑप्शन अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर क्या दिया गया है लुप्त पदों को ज्ञात करें तो लुप्त पदों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं पहले हम लेटर्स को काउंट करते हैं तो काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, पंद्रह सोलह टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं सोलह लेटर्स हैं अब इन्हें हम चार चार के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार अब हमारे जो लेटर्स हैं वो चार चार के ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं तो यहाँ देखें तो हमारा दूसरा ग्रुप पूरा भरा हुआ है इसमें क्या है ए बी बी ए वही पहले ग्रुप में देखें तो इसमें चौथे स्थान पर बी है तो यहाँ पहले और दूसरे ग्रुप में सेम सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन में अल्टरनेट में सीक्वेंस बनता है तो ऐसे क्वेश्चन में पहले और तीसरे ग्रुप का सीक्वेंस बनता है और दूसरे और चौथे ग्रुप का सीक्वेंस बनता है तो देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो ग्रुप है यहाँ पर ए बी बी ए लिखा हुआ है इसको चौथे में देखते हैं चौथे ग्रुप में क्या है ए ब्लैंक बी ए तो पर क्या फिल किया जाएगा बी तो अब हमें पहला और तीसरा ग्रुप को फिल करना है तो पहले ग्रुप में दूसरा और तीसरा स्थान खाली है और वही तीसरे ग्रुप में पहला स्थान खाली है तो तीसरे ग्रुप को पहले ग्रुप की हेल्प से फिल कर लेते हैं तो पहले ग्रुप में पहले स्थान पर क्या लिखा हुआ है ए तो हम तीसरे ग्रुप में पहले स्थान पर क्या लिखेंगे ए अब हमारा तीसरा ग्रुप फिल हो चुका है इसकी हेल्प से अब हम, हम पहले ग्रुप को फिल कर लेंगे यहाँ पर दूसरे और तीसरे स्थान पर क्या लिखा हुआ है ए बी और हम पहले ग्रुप में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्या लिख लेंगे ए बी तो हमने क्या-क्या फिल किया कौन-कौन से लेटर फिल किए ए बी ए बी तो दोस्तों हमारे चार लेटर हो गए ए बी ए बी तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा पहला ऑप्शन इसमें ए बी ए बी लिखा हुआ है तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा इसमें भी दोस्तों क्या ज्ञात करना है लुप्त पद ज्ञात करना है यानी दोस्तों इसमें जो ब्लैंक्स है उन्हें फिल करना है तो इस क्वेश्चन को भी जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी ट्रिक से सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है ये सारे लेटर्स को काउंट करना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं पंद्रह और अब इन्हें हम ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे तो पांच पांच का ग्रुप बना देंगे एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच अब पांच पांच के तीन ग्रुप बन गए अब हम देखेंगे सबसे ज्यादा लेटर्स किस ग्रुप में लिखे हुए हैं तो यहाँ पर दो ग्रुप हमारे फिल हैं जिसमें तीन तीन लेटर लिखे हुए हैं तो इसकी हेल्प से हम पहला जो हमारा ग्रुप है उसे फिल कर लेंगे तो यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है तीसरे चौथे पांचवे स्थान पर पी जेड वाई तो यहाँ पर जेड होगा तो अब हम अपने पहले ग्रुप को देखें यहाँ पर पहला लेटर जो है एक्स लिखा है अब हम इस ग्रुप की हेल्प से दूसरे और तीसरे ग्रुप में पहले स्थान पर एक्स को फिल कर देंगे एक्स एक्स अब हम दोस्तों यहाँ पर देखें दूसरे स्थान पे यहाँ पे भी दूसरे स्थान पे यहाँ पे भी दूसरे स्थान पे यहाँ पे कोई लेटर नहीं है तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर कोई भी लेटर आ सकता है एक्स पी वाई जेड कोई भी तो ऐसे में दोस्तों हम ऑप्शन की हेल्प से इसको फिल करेंगे तो दोस्तों हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हमने कौन कौन से ब्लैंक को फिल किया है तो पहला ब्लैंक हमारा खाली है और दूसरे में हमने जेड को किया है और तीसरा जो है मैंने यहाँ पर एक्स फिल किया है और नेक्स्ट जो ब्लैंक है वो खाली है अगले ब्लैंक में हमने एक्स लिखा है और फिर अगला खाली है यहाँ पर दोस्तों दूसरे और तीसरे स्थान पर जेड एक्स है तो हम हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कहा पर जेड एक्स लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में देखते देखते हैं दूसरे और तीसरे स्थान पर लिखा है कि नहीं लिखा है तो यहाँ पर वाई वाई लिखा है नहीं लिखा है यहाँ पर वाई जेड लिखा है और तीसरे ऑप्शन में एक्स जेड लिखा है नहीं लिखा है जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर जेड एक्स लिखा हुआ है यानी दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पर वाई जेड एक्स देन वाई फिर आगे x फिर y यानी दोस्तों यहाँ पर जो फिल करना है है पर हमें y फिल करना यानी दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन सही है तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दिए गए विकल्पों में से लुप्त पदों को ज्ञात करिए तो दोस्तों इसमें भी हमें ब्लैंक्स को फिल करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लेटर्स को काउंट करेंगे तो काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं सोलह सोलह लेटर्स हमारे पास तो इनको हम चार चार के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो हमारे कितने ग्रुप्स बने एक दो तीन चार चार ग्रुप्स बन गए तो दोस्तों यहाँ पर देखें सभी ग्रुप्स में एक एक स्थान खाली है और यहाँ चारों ग्रुप को देखे तो यहाँ अलग अलग चार लेटर्स दिए हैं जो कि है एम एन ओ पी तो यहाँ हम हर ग्रुप में चारों में से जो एक अल्फाबेट मिसिंग है उसे लिख लेंगे तो यहाँ पर क्या मिसिंग है पहले ग्रुप में ओ मिसिंग है ओ लिख लेंगे दूसरे ग्रुप में क्या मिसिंग है एम और तीसरे ग्रुप में क्या मिसिंग है एम और चौथे ग्रुप में क्या मिसिंग है n तो हमें लेटर्स कौन-कौन से मिले o m m n तो यहाँ पर यदि हम सीक्वेंस देखें तो पहले में m n o p आया तो जो दूसरा ग्रुप है वो n से स्टार्ट हुआ और हम तीसरे ग्रुप को देखें तो वो o से स्टार्ट हुआ o p फिर m n आ गया और जो चौथा ग्रुप है वो p से स्टार्ट हुआ p m n दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है ओ एम एम एन यानी दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन सही है अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा इसमें क्या पूछा गया है लुप्त पदों को ज्ञात कर यानी दोस्तों ये भी पिछले क्वेश्चन में जैसा है तो इस सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हमें लेटर्स को काउंट करना है तो काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह टोटल एटर्स हमारे पास कितने हैं सोलह तो इन्हें हम चार चार के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो हमारे चार ग्रुप्स तैयार हो गए तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कौन कौन से स्थान भरे हुए हैं और उनकी मदद से हम अगले ग्रुप को फिल कर लेते हैं तो पहले ग्रुप में कौन सा स्थान भरा है दूसरा, चौथे स्थान पर क्या लिखा हुआ है डी अब हमारे तीसरे ग्रुप में कौन सा स्थान खाली है चौथा और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा लेटर डी अब हमारा जो चौथा ग्रुप है वहां पर दूसरे स्थान पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों बी अब हम देखते हैं पहले ग्रुप को पहले ग्रुप में पहला स्थान खाली है और दूसरे ग्रुप में भी पहला स्थान खाली है तो हम तीसरे और चौथे ग्रुप की हेल्प से पहले और दूसरे ग्रुप के पहले स्थान को फिल कर लेते हैं यहां पर ई e लिखा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर ई e लिखा जाएगा तो हमने कौन कौन से लेटर्स को फिल किया ई बी डी डी बी तो देखते हमारा ऑप्शन कौन सा सही है ई बी डी डी वी ई बी डी डी वी यानी दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन सही है तो दोस्तों ये रहे हमारे रीजनिंग के अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ धन्यवाद दोस्तों